नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपना अपराजिता का ये प्लांट दिखा रही हूँ इस वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है कि अपराजिता जो है गर्मी में फूल देने वाला वो सबसे प्यारा और सबसे सुंदर फ्लावर होता है, और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है। इसको लोग जो है इसको शंख पुष्पी गोकर्णी कई नामों से जाना जाता है। इसकी आयुर्वेदिक दवाओं में बहुत प्रयोग किया जाता है, और ये जो है ये दो तरह से लगाया जाता है, बीज से और कटिंग से। लेकिन इसको बीज से लगाना बहुत आसान होता है। इसकी फलियां होती हैं जैसे मटर की फलियां होती हैं उस तरह से, और उसमें काले रंग के बीज निकलते हैं। उनको आप ज़मीन में डाल दीजिए, हफ्ते भर बाद वो उगाते हैं। और इस तरह से ये तो मेरा पुराना पौधा है, पिछले साल का, इसकी मैंने कटिंग कर दी थी। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए, ये इसकी मोटी मोटी डालें इसकी कटिंग कर दी थी। लेकिन ये स्प्रिंग सीजन आने पर फिर से इसमें जो है नई नई शूट्स आ गई। और देखिए, जैसा कि मेरे में फ्लावरिंग भी है, देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल, ये देखिए, ये देखिए कलियां भी बनी हैं। ये और इस तरह से इसमें फ्लावरिंग, इसको चाहे आप वाइन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और इसको बुसी भी बना करके। अब जैसे मेरा ये हो गया है, अब इसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही है, और ये जो है अभी ये वाइन कहाँ बन पाया है, अभी तो ये बुसी टाइप का है। इस तरह से इसकी डालियाँ ऊपर से काटते रहिए, तो ये जो है पूरा झाड़ी नुमा पूरे गमले में हो जाएगा। और इसकी मिट्टी बेलडेंड मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें कि पानी ना रुके, और पानी इसको, अब जैसे गर्मी है तो इसको रोज़ पानी चाहिए। और बरसात भर तो हमने इसमें पानी ही नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी इसको पानी मिलता रहा। जाड़े में भी कभी कभी हम इसमें पानी डाल देते थे। फर्टिलाइजर इसमें, अब सीजन आ गया है तो एक एक मुट्ठी इसकी गुड़ाई करके इसमें हम, ये देखिए, ये खाद जैसा कि दिख रही है आपको, इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम बनाना पील्स की लिक्विड फर्टिलाइजर मेरी तैयार है। इधर बारिश हो गई थी तो गमले बहुत गीले हो गए थे, इस वजह से नहीं डाला, लेकिन अब इसमें डालने वाले हैं, इसमें डाल देंगे, जिससे कि इसको न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे और फ्लावरिंग अच्छी होगी। अब गर्मी भर ये खूब बढ़िया फूल देगा, बरसात में भी केवल जाड़े के दिन में थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है, और बाकी इनमें साल के 8-9 महीने तो फूल दिखते ही रहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक सफ़ेद एक नीला। तो जो हम आपको दिखा रहे हैं ये ब्लू कलर वाला है, और हमारे पास वाइट भी है, लेकिन उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। हमारे पास इसके कई पौधे हैं, कम से कम 4-5 गमले में हैं, और वहाँ हम अपने ग्राउंड में जो मेरी थोड़ी सी फुलवारी है उसमें भी मैंने ज़मीन में भी लगा रखा है। तो ज़मीन वाला भी जो पुराना पौधा था वो अब ग्रोथ कर रहा है। और ये देखिए कितना अच्छा फ्लावर है, कितना बढ़िया खिला हुआ है, देखिए ब्लू कलर का। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, बाय।